उधर निलंबित आईएएस छवि रंजन की रिमांड अवधि आज पूरी हो रही है। ईडी कोर्ट में आज छवि रंजन की पेशी होगी और इसी के साथ ही ईडी के अधिकारी आज फिर रिमांड की मांग कर सकते हैं। बताएं आपको कि 5 मई को आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी हुई थी और रिमांड अवधि आज पूरी हो रही है छवि रंजन की। आज ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा छवि रंजन को और इसी के साथ ही ईडी के अधिकारी रिमांड अवधि और बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। तो निलंबित आईएएस छवि रंजन को आज ईडी कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिमांड अवधि आज खत्म हो रही है छवि रंजन की। आज कोर्ट में पेशी के साथ ही ईडी के अधिकारी रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग कर सकते हैं। सेना जमीन मामले में पूछताछ चल रही है छवि रंजन से। निलंबित आईएएस छवि रंजन की आज ईडी कोर्ट में पेशी होगी। रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग कर सकते हैं ईडी के अधिकारी। सीधा जुड़ेंगे हमारे साथ सहयोगी दीपक उराव मौजूद है। दीपक, निलंबित आईएएस छवि रंजन की रिमांड अवधि आज पूरी हो रही है, कोर्ट में पेश होने किया जाएगा और इसी के साथ ही जो ईडी के अधिकारी है वो रिमांड अवधि को बढ़ाने की मांग भी कर सकते हैं, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? दे बिल्कुल, देखिए राजधानी रांची में जमीन घोटाला मामले को लेकर ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है और अब तक इस कार्रवाई में अगर देखें तो कुल 8 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। 13 अप्रैल को ईडी ने निलंबित आईएएस छवि रंजन और अंचल के अधिकारी कर्मचारी और जमीन कारोबारियों के अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की थी और उस छापेमारी में जमीन से संबंधित जो दस्तावेज का जखीरा जो है वो ईडी बरामद किया था और 13 अप्रैल को ही कुल 7 लोगों को, जिसमें बंगाई अंचल के सीआई भानु प्रताप समेत 7 जमीन कारोबारियों को ईडी ने गिरफ्तार किया था और लगभग 12 दिनों तक उन सभी 7 गिरफ्तार लोगों से पूछताछ भी ईडी ने की थी और उसके बाद 4 अप्रैल को छवि रंजन को ईडी दफ्तर बुलाया गया था समन जारी करके और उसी दिन एक लंबी पूछताछ के दरमियान उन्हें गिरफ्तार किया गया और 5 अप्रैल को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया और उसके बाद 10 दिनों की रिमांड की मांग ईडी ने किया था, जिसमें 6 दिनों की रिमांड की स्वीकृति प्रदान हुई थी और 6 दिनों तक ईडी लगातार उनसे पूछताछ की और पूछताछ के क्रम में कई जो जमीन का जो अवैध तरीके से खरीद बिक्री हुई है उसकी जानकारी भी ईडी को मिलता गया और उसी के आधार पर जो जाँच का दायरा है वो भी निरंतर बढ़ता हुआ जा रहा है। छवि रंजन की जो ईडी रिमांड थी वो आज खत्म हो रहा है, 6 दिनों पर ईडी रिमांड पर थे और आज खत्म हो रहा, लिहाजा उन्हें आज ईडी की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा और ईडी के द्वारा रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए भी रिमांड पिटीशन दी जाएगी, रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग अदालत से की जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए कितने दिनों की रिमांड बढ़ाने की मांग अदालत से की जाती है और अदालत के द्वारा कितने दिनों की रिमांड मिलता है, लेकिन जिस तरह से राजधानी रांची में अगर बात करें तो खासतौर पर जो ईडी की जांच शुरू हुई, सेना के कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन की जांच शुरू हुई और जैसे जैसे लोगों से पूछताछ होता गया उसी के आधार पर जो है जांच का दायरा भी निरंतर आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। सेना के कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन की जो अवैध तरीके से खरीद बिक्री हुई है तो उसमें मूल दस्तावेज से छेड़छाड़ किया गया और कहीं ना कहीं कलकत्ता निबंधन कार्यालय का सहारा लिया गया, वहां पर फर्जी तरीके से डीड मोटेशन तैयार किया गया और उसके आधार पर राजधानी रांची में वैसे जमीन को बेचा गया, सेना के कब्जे वाली जमीन को अलग अलग नाम पर बेचा गया और इसमें जो प्रदीप बागची जो अभी ईडी ने जिस तरह गिरफ्तार कर जेल भेजा है वो कहीं ना कहीं फर्जी तरीके से दस्तावेज से छेड़छाड़ करके वहां पर उस जमीन का वो अपने आप को मालिक बताया और लोगों को जमीन बेचा और उसकी फॉरेंसिक उसके जो जमीन से संबंधित जो दस्तावेज है जो ईडी को बरामद हुआ और कलकत्ता निबंधन कार्यालय से जो दस्तावेज तैयार किए गए थे डीड मोटेशन उसकी फॉरेंसिक जाँच भी हुई और उस जाँच में इस बात की पुष्टि हुई है कि दस्तावेज से छेड़छाड़ करके फर्जी तरीके से जो दस्तावेज है वो तैयार किया गया। वहीं इसी मामले को लेकर के जब छवि रंजन से लगातार पूछताछ चल रही है और इसी क्रम में जो सेना के कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन के जो मूल रैयत है जयंत कर्नाड समेत कुल 13 लोगों को ईडी ने समन जारी किया है और लगातार रोजाना लोगों से पूछताछ की जा रही है और
जयंत कर्नाड का भी बयान ईडी ने दर्ज किया है और इसके अलावा रोजाना लोगों से पूछताछ की जा रही है जिन लोगों को समन जारी किया गया है। और जयंत कर्नाड का जो मूल जमीन का जो रैयत है उनका भी दस्तावेज ईडी ने लिया है और उसकी फोरेंसिक जाँच कराई जाएगी और उसके बाद देखना होगा कि फोरेंसिक जाँच के बाद क्या कुछ सामने चीजें निकल कर आती है। लेकिन जिस तरह से ईडी की लगातार कार्रवाई हो रही है और जाँच का दायरा दिनों दिन बढ़ रहा है, चूंकि सबसे पहले जब सेना की कब्जे वाली 455 डिसमिल जमीन की जांच का मामला सामने आया था, उसके बाद चेसायर होम में भी जो जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री हुई है, फिर बजरा मोजा में भी 717 डिसमिल जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री हुई है, तो ये तमाम जो जांच का दायरा है वो दिनों दिन बढ़ रहा है। जिस तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है, लोगों से पूछताछ हो रही है, तो यही वजह है कि जाँच का दायरा बढ़ रहा है और भी कई ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे है वो भी सामने आ सकते हैं। तो इसको लेकर के चूंकि इस जो जमीन का खेल का अगर मास्टर माइंड की बात करें तो कहीं ना कहीं निलंबित आईएएस छवि रंजन ही मास्टर माइंड है जिन्होंने जमीन की अवैध तरीके से खरीद बिक्री करने में फर्जी जमीन का जो मालिक को तैयार करने में या कह सकते हैं कि जमीन कारोबारियों को सहयोग पहुंचाने में उनका अहम रोल रहा है और इसको लेकर के एक मोटी रकम की भी कहीं ना कहीं उन्होंने वसूली की है और इसको लेकर के लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है और जाँच इसका दायरा जो है वो निरंतर बढ़ रहा है। और देखने वाली बात है कि आज जिस तरह से रिमांड की अवधि खत्म हो रहा है, छवि रंजन पीड़ित के विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, तो कितने दिनों की रिमांड बढ़ाने की मांग ईडी के द्वारा की जाती है और अदालत के द्वारा कितने दिनों की स्वीकृति प्रदान की जाती है। लेकिन इतना तो साफ है कि ईडी की वो जो जांच का जो दायरा बढ़ रहा है वो पूछताछ के क्रम में ही बढ़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से लोगों से पूछताछ हो रही है उसी के आधार पर जांच का जो है दायरा बढ़ता हुआ जा रहा है। और जिस तरह से आपने देखा हुआ कि 13 अप्रैल को जिस तरह से ईडी ने यह कार्रवाई की थी और उसके बाद जो पूछताछ हुआ था उसके बेसिस पर 26 अप्रैल को भी दोबारा कई लोगों के ठिकानों पर भी ईडी ने छापेमारी की थी। तो जांच का दायरा बढ़ने का एक मुख्य वजह है कि लोगों से पूछताछ हो रही है और पूछताछ का जो चल रहा है वो निरंतर चलता रहेगा। आने वाले दिनों में भी कई लोग पूछताछ के घेरे में होंगे और कई लोगों को समन जारी कर ईडी दफ्तर बुलाया भी गया है। और ये जो सेना के कब्जे वाली जमीन के जिसका जिक्र कर रहे हैं, ये जो मामला साल 2022 में ही सामने आया था, चूंकि जिस वक्त जो प्रदीप बागची नामक जो व्यक्ति जो है वो खुद को उस जमीन का मालिक बता रहा है, उनके द्वारा फर्जी तरीका से होल्डिंग नंबर रांची नगर निगम से लिया गया और उसके आधार पर वो जमीन के मालिक कहीं ना कहीं बनने के जो भी प्रोसेस है उसमें उन्होंने किया। और उसकी जो रांची नगर निगम के जो टैक्स कलेक्टर है उन्होंने बरियातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी और उसके बेसिस पर जो जाँच का जो दायरा है वो बढ़ रहा है, चूंकि उस वक्त जो तत्कालीन दक्षिणी छोटा नागपुर के जो प्रमंडलीय आयुक्त नितिन मदन कुलकर्णी की जो कमेटी है वो जांच की थी और जांच करने के बाद उन्होंने ये बात को कहा, पुष्टि भी किया था कि इस जमीन में बहुत बड़ी तरीके से हेरफेर किया गया है, फर्जी दस्तावेज तैयार करके कहीं ना कहीं घोटाला का जो मामला है वो सामने आया है। उसको लेकर राज्य सरकार को भी अनुशंसा किया था कि जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए, लेकिन राज्य सरकार उस पर किसी भी तरह का कोई भी जो कार्रवाई है वो नहीं की। लेकिन पूजा सिंगल का मामला जैसे ही सामने आया था जो जमीन से संबंधित, उस मामले में भी उसी के आधार पर जैसे जैसे पूछताछ होता गया तो कई चीजें जो है वो खुलते चली गई। पहला बात जब ये बात सामने आया था कि सेना के कब्जे वाली जमीन से बहुत बड़ा घोटाला किया गया है, लेकिन पूछताछ और जांच दायरा बढ़ता हुआ चला गया और चेसायर होम में भी जिस तरह से जमीन की खरीद बिक्री हुई और फिर बजरा मोजा में भी खरीद बिक्री हुई, तो जो लगातार जो पूछताछ हो रहा है कार्रवाई हो रहा है जुटी हुई है। दीपक, ईडी की जो कार्रवाई है वो एक एक कड़ी जुड़ रही है और एक एक कड़ी में ऐसे ऐसे सफेदपोश का नाम आ रहा है जिन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा इस तरह के घोटाले करने से पहले कि एक दिन वो ईडी की रडार में होंगे और ऐसा हो रहा है। अगर कोर्ट में पेशी की बात करें तो किस वक्त, क्या कोई वक्त पता चल पाया है किस वक्त उनकी पेशी होगी कोर्ट में? निलंबित आईएएस छवि रंजन का जो 6 दिन का ईडी रिमांड जो है वो आज दिन भर का है, तो दिन भर में वो कभी भी आज पेश कर सकती है। लेकिन जो पेशी से पहले जो प्रोसीजर होता है वो तमाम चीज़ें करनी होती है, क्योंकि रिमांड पिटीशन देकर ही रिमांड की अवधि बढ़ाने की मांग ईडी द्वारा की जाएगी, तो रिमांड पिटीशन भी तैयार किया जाना है, साथ ही साथ कोई भी किसी को रिमांड पर लिया जाता है तो उसे का वक्त भी है।
तमाम ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो निलंबित आईएएस छवि रंजन की आज ईडी कोर्ट में पेशी होनी है, रिमांड अवधि आज उनकी खत्म हो रही है और इसी के साथ ही ईडी के अधिकारी रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग भी कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।